नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ आने का मकसद तो आप सब समझते हैं और सबको मालूम भी है। यहाँ पे धूप है, लेकिन आपको एक ऑर्डर दिया गया, एक ड्यूटी दी गई कि आज आप इस तरह बैठेंगे, क्योंकि हमारे बीच बीएस संधु साहब आने वाले हैं। तो आप एकदम भूल गए, आपको इस वक्त बिल्कुल मालूम नहीं है कितनी धूप है आपके ऊपर, कितनी परेशानी है। तो इसे कहते हैं ड्यूटी, और ड्यूटी को निभाना, ठीक है। इसी तरह ऐसी ड्यूटी भी है जहां हमारा सोल्जर खाना खा रहा है या सो रहा है या कोई आपस में बातचीत हो रही है और एक ऑर्डर आता है, सोल्जर रेडी हो जाओ, ड्यूटी पर पहुंचना है। और सोल्जर बिना सोचे उस ड्यूटी को निभाने के लिए चला जाता है, चाहे उसकी वहां जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाता है। तो यही एक ड्यूटी है जो हम सबको बांधती है कि हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में। अगर आप कहो तो मैं आपके बिहाफ पे बिया संधु साहब से एक वादा करना चाहता हूं। बोलो तू संधु साहब, हम सब जानते हैं कि हम सब फौज में नहीं जा सकते, अलग अलग हमारी जिंदगी आगे बनेगी। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फौज में भी जाएगा। लेकिन संधु साहब, हम आपसे वादा करना चाहते हैं, इन बच्चों के यहां से और ये गुरु नानक मिशन स्कूल के बच्चों की तरफ से वादा करना चाहता हूं कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी हम लोगों की, जो भी ड्यूटी आप देंगे हम लोगों को निभाने के लिए, हम उसे अपनी पूरी शिद्दत से उसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हाथ हाथ खड़ा करके वादे का पूरा कर दीजिए संधु साहब को कि ये हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। इसी तरह ड्यूटी निभानी है, यही जिंदगी का मकसद है, बाकी चीजें सब फिट बैठ जाती हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। टीचर, यू नो आप लोग तो एक्साइटेड हो ही हम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। उसका कारण है क्योंकि बोलते हैं कि जो जिंदगी का डिसिप्लिन शुरू होता है ना, वो स्कूल से शुरू होता है। यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपको मॉर्निंग 7 o'clock आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, आप सब लोग टाइम पे पहुंचते हो, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि यार मैं भी नहीं आ रहा, मैं बिजी हूँ, लेकिन अपने टीचर्स को कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो टीचर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि जिंदगी में डिसिप्लिन से कैसे जीना है। फिर मेरे मदर खुद एक प्रोफेसर थे और उन्होंने एक चीज जरूर सिखाई थी कि आपके माता पिता से बड़े आपके टीचर्स होते हैं, जो आपको टीचर्स आपके स्कूल में सिखाते हैं वो आपको जिंदगी भर सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें देश के लिए लड़ने का मौका मिलता है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं फौजी बनूं, लेकिन इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बनने के बाद एक एक्टर बन गया, लेकिन मन में मलाल जरूर रहा कि मैं देश की सेवा क्यों नहीं कर पाया। और रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैंने एक फौजी की भूमिका निभाई, पल्टन फिल्म का नाम था, और हम लोग लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे और बड़ी ठंड लगती थी, -10 degree टेम्परेचर था, ऑक्सीजन बहुत कम होता, लेवल बड़े कम थे, और हम लोग सब एक्टर्स बड़े शिकायत करते थे कि यार कितना मुश्किल है यहाँ शूट करना। लेकिन फिर हमें याद आता था कि यहाँ पे वो सोल्जर्स हैं, हमारे देश के जवान हैं, जो महीनों यहाँ पर रहते हैं अपने परिवार से दूर, उन्हें पता नहीं कि कब उन्हें वापस छुट्टी मिलेगी और वापस जा पाएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि 20 दिन बाद जब हमारी शूटिंग होगी हम लोग वापस अपने परिवारों से मिल पाएंगे। तो एक्चुअल जो हमारे रियल हीरोज हैं वो हैं हमारे फौजी भाई। वो हमें जानते नहीं, लेकिन वो इस बात को जरूर जानते हैं कि अगर वो अपनी जान की बाजी लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित अपने स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं, अपने घर में सो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता सकते हैं। सो जो उनकी सैक्रिफाइस है हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा है। और अगर हमें कुछ भी करने का मौका मिले तो हमेशा हमें खड़े होना है। अगर आप कभी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, अगर आपको दिखता है कि फौजी भाइयों को सीट नहीं मिली, कोई बैठने की जगह नहीं, तो आपको अपना बर्थ खाली करके उन्हें देना है। हमेशा उन्हें कहीं पर भी कोई जरूरत मिलती है, आपको कभी बाजार में मिलते हैं, कभी थिएटर्स में मिलते हैं, कहीं पर भी मिलते हैं, तो आपको अपनी जो चीज, जो अपना कम्फर्ट लेवल है, वो अपने जो फौजी भाई हैं उनको देना है, क्योंकि वो हमारे सही में माता पिता है जो हमारी जिंदगी रक्षा करते हैं। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरु नानक पंजाबी सभा जी का।
और पूरी जो टीम है उनकी और गुरु नानक मिशन हाई स्कूल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से मिलने का. थोड़ा सा डिसिप्लिन और मेरी जिंदगी में आ जाएगा आप लोगों को देखकर. मुझे लग रहा था कि आप धूप में बहुत बैठे हैं, लेकिन आपके जो चेहरे की स्माइल्स हैं वो हमें बता रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता धूप से, हम भी उतने ही मजबूत सोल्जर्स हैं. जस्ट वॉन्ट विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आप जिंदगी में करें, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं जरूर करेंगे, हमारी दुआएं हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहूंगा जो अभी पुलवामा में हमारे फौजी भाइयों ने जो जान खोई है उसे हमें व्यर्थ जाने देना चाहिए. मैं मोगा से बिलोंग करता हूं और मोगा के एक फौजी भाई जो उन्होंने जान खोई, उनका नाम था जयमाल सिंह. मैं उनके परिवार से बात कर रहा था, उनके फादर का नाम है जसवंत सिंह. तो मैं उनसे बात किया कि सर मैं क्या कर सकता हूँ आपके परिवार के लिए. तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए सोनू जी, बस आप दुआ करें कि मेरा बेटा जहाँ भी हो खुश रहे. 18 साल बाद उनके बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था जो सिर्फ 5 साल का है. और हमेशा ता जिंदगी वो उनका जो खर्चा चलता था वो अखंड पाठ करके लोगों के घर में चलाते थे. अभी मैं मोगा जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक उन परिवार से मिलने के लिए. तो मेरा यही है कि जो भी आप कर सकते हैं यू नो जरूर अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें, अपने माता जाकर आज ही घर जाके बोलिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है. तो आई थिंक अगर आप उन्हें कन्विंस करवाएं तो आज हमारा मिलने का जो मकसद है वो सफल रहेगा. जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू.